खनियाधाना के बेटे ने किया कमाल। भोपाल में राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर अपने कदम नेशनल की ओर बढ़ाए। खनियाधाना की युवक योगेंद्र गौड़ ने किया राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई। अब नेशनल में मेडल लाने की है तैयारी। पिछले दिनों हुई भोपाल के तात्या टोपे अकादमी में शूटिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने इंदौर तहसील मऊ आर्मी कैंट में 65वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था, जिसमें 10 मीटर की एयर पिस्टल 40 शॉट से 400 में से 345 स्कोर बनाकर युवकों ने नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई किया है। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के सैकड़ों युवकों ने भाग लिया एवं मध्य प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजक पदक लेकर के आए। नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई हुए योगेंद्र गौड़ से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें 3 साल पहले भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में तैयारी शुरू की थी। शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें मानसिक दृढ़ता एवं लग्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए एक दिन में 20 घंटे तक मेहनत की है। काफ़ी परेशानी आई, फिर भी मैंने अपना फोकस अपने लक्ष्य पर ही रखा और मैं यहाँ आज क्वालिफाई कर पाया हूँ। इसलिए मैं उन सभी लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य जितना बड़ा होता है हमें उतनी ही बार गिरना पड़ता है। भगवान हमारी सहायता हमारा लक्ष्य पाने में हमेशा करते हैं। यदि हम अपने लक्ष्य के लिए लगातार कोशिश करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिल ही जाती है। अपनी सफलता के बारे में क्या कहते हैं योगेंद्र गौड़, आइए जानेंगे उन्हीं से। नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं योगेंद्र सिंह गौर, जिला शिवपुरी, खनियाधाना से हूँ। मैं लगभग 3 साल से भोपाल आकर, खनियाधाना से अपने क्षेत्र से भोपाल आकर 3 साल से टाटा टोपे स्टेडियम में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि 3 साल बाद आज मतलब 4-5 दिन पहले मेरा स्टेट राज्य चैम्पियनशिप हुआ था जिला तहसील इंदौर के मऊ में, उसमें मैंने क्वालिफाई किया है। मुझे बड़ी खुशी की बात है और बड़ी मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैंने अपने क्षेत्र खनियाना का नाम रोशन किया। एक छोटे से गांव से आकर 3 साल पहले यहाँ पे तैयारी कर रहा था, 3 साल संघर्ष और अभ्यास करते हुए आज मैंने पहली ही बार में राज्य चैंपियनशिप क्वालिफाई किया, जिसमें कोई मेरे दोस्त वगैरह कोई गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेके आए, पर मैं थोड़े स्कोर से चूक गया इसलिए मेरा मेडल नहीं आ पा रहा है। पर मेरा आगे का लक्ष्य मेडल लाने का है और अपने खनियाधाना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मेरी मेहनत और मेरी मेहनत और मेरा लक्ष्य जो मेरा कामयाब हो पाया, मैं सीढ़ी चढ़ पाया हूँ, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और इसका श्रेय अपने मैं अपनी पापा और अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद और दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आगे चलकर एक मेडल लाने का प्रयास करूँगा और खनियाना का अपना नाम रोशन करूँगा। मैं इसका शेयर अपने एक भैया, मेरे सहपाठी, मेरे मित्र जिनने मेरी बहुत मदद की है, उसमें मेरी मदद की है, अर्जुन जी, कुशवाहा भाई साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने कोच, अपने एकेडमी को भी धन्यवाद देना हूँ और स्पेशली प्रियांशु सर, जो कि एक शूटिंग रेंज चलाते हैं प्राइवेट। कुछ दिन ही शेष बचे थे तैयारी को और मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आकर बुलाकर मुझसे बोला कि अपनी तैयारी करो। तो मैं भोपाल की राज शूटिंग अकेडमी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 महीने बाद मेरा नेशनल है और मैं उसमें नेशनल मेडल लाऊंगा, ये मेरी आप सभी को आसवन है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार ऐसा ही बना रहा है, बहुत बहुत।